सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली में हत्या की वारदात को अंजाम देकर 21 साल से फरार एक वांटेड हत्यारोपी को कोलकाता से दबोचने में क्राइम ब्रांच की स्टार वन टीम ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। वर्ष 2001 में ग्रुप फोर सिक्योरिटी में गार्डों की सैलरी बढ़ाने को लेकर ओखला में बैठक हुई थी। मीटिंग में मजदूर संघ उपाध्यक्ष राजकुमार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सीआईटीयू के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह व सुरक्षा गार्ड अनिल की पिटाई कर दी थी। राजेंद्र की अस्पताल में मौत हो गई थी। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी 47 वर्षीय राजकुमार 21 साल से अपनी पहचान छुपाकर कोलकाता में छिपकर रह रहा था। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश देव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिटें दिल्ली एनसीआर में हेनस केसेस में फरार क्रिमिनल्स को दबोचने के काम में लगी हुई हैं। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश देव ने बताया कि क्राइम ब्रांच स्टार वन के एसीपी संतोष कुमार की सुपरविजन में इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम थाना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज एक हत्याकांड में शामिल 21 साल से फरार वांटेड क्रिमिनल 47 वर्षीय राजकुमार पुत्र राम निहोरा सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर थाना ताजपुर समस्तीपुर बिहार पर काफी समय से नजर रखे हुई थी। आरोपी को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम ने राजकुमार के स्थायी पता समस्तीपुर बिहार में कई बार छापेमारी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम को जांच में पता चला कि दिल्ली में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी राजकुमार कहीं और अपनी पहचान छिपाकर रह रहा है और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अपने पुराने सभी मोबाइल फोन भी बंद कर दिए हैं। आरोपी राजकुमार को दबोचना इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आरोपी कई वर्षों से न तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में था और न ही अपने पैतृक गांव आ जा रहा था। समस्तीपुर बिहार में आरोपी का पूरा परिवार था। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी को पूरा भरोसा था कि आरोपी कभी न कभी तो अपने परिवार से संपर्क जरूर करेगा, इसलिए समस्तीपुर बिहार में आरोपी के परिवार के चारों तरफ मुखबिरों का जाल बिछा दिया। आरोपी पर काफी वर्षों तक नजर रखने के बाद आखिरकार टीम के हाथ सफलता लग ही गई। टीम को मुखबिरों से इन्फॉर्मेशन मिली कि आरोपी राजकुमार समस्तीपुर बिहार में किसी से मिलने आया था। इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम समस्तीपुर बिहार के लिए रवाना हो गई। समस्तीपुर बिहार में आरोपी के परिवार से पूछताछ में टीम को पता चला कि आरोपी राजकुमार 21 वर्षों के बाद गांव में आया तो था, लेकिन कुछ देर बाद चला भी गया। पूछताछ में टीम को यह भी पता चला कि आरोपी के हाथ में मोबाइल फोन भी था, लेकिन आरोपी किसी को अपना मोबाइल नंबर देके नहीं गया और यह भी नहीं बताया कि किधर रह रहा है। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम ने हार नहीं मानी। जितने समय पर आरोपी अपने गांव में आया था उतने समय का टीम ने मोबाइल डंप डाटा निकाला। डंप डाटा स्कैन करने पर टीम को कोलकाता का एक सस्पेक्ट मोबाइल नंबर मिला, जो कि काफी समय से कोलकाता में एक्टिव था। टीम ने सस्पेक्ट मोबाइल नंबर की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली तो कोलकाता से समस्तीपुर बिहार और समस्तीपुर बिहार से कोलकाता दिखाई दी। टीम ने टेक्निकल सर्वेलेंस से सस्पेक्ट मोबाइल नंबर पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम के कांस्टेबल सूर्य देव की कोलकाता पश्चिम बंगाल में अच्छी पकड़ है। कांस्टेबल सूर्य को अपने सूत्रों से पता चला कि आरोपी राजकुमार कोलकाता पश्चिम बंगाल में छिपा हुआ है। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी ने कांस्टेबल सूर्यादेव को मिली इन्फॉर्मेशन को संतोष कुमार एसीपी क्राइम ब्रांच स्टार वन के साथ शेयर की। आरोपी राजकुमार के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते ही आरोपी को दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश देव ने संतोष कुमार एसीपी क्राइम ब्रांच स्टार वन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में एसआई सम्राट एसआई कृष्ण कुमार एसआई उदयवीर सिंह हेड कांस्टेबल सुधीर और कांस्टेबल सूर्यदेव की एक टीम का गठन किया। आरोपी राजकुमार को दबोचने के लिए टीम कोलकाता पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई। दिनांक 8 फरवरी 2022 को टीम ने मोबाइल से आरोपी की पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक करके रात लगभग 8 बजे बुराई रोड रैना अरबिंदो नगर कोलकाता पश्चिम बंगाल में जाल बिछाया और सस्पेक्ट आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान 47 वर्षीय राजकुमार पुत्र राम निहोरा सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर थाना ताजपुर समस्तीपुर बिहार के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वारदात वाले दिन गिरफ्तारी से बचने के लिए मौके से फरार हो गया था। दिल्ली से भागकर कर्नाटक के बेंगलुरु में छिपकर एक इंजीनियर के पास ड्राइवर की नौकरी की। 2010 तक बेंगलुरु में रहा। बाद में समस्तीपुर बिहार अपने पैतृक गांव से काफी दूर कांटेक्ट पर खेती शुरू की और ड्राइवर के रूप में भी काम किया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए हर थोड़े समय के बाद अपना ठिकाना बदल देता था और हमेशा अपनी असली पहचान छिपाकर रखता था। आरोपी अपनी पहचान छुपाकर वर्ष 2011 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो गया और अपना जीवन यापन करने के लिए ड्राइवर के रूप में काम करने लगा। आरोपी राजकुमार ने बताया कि मामले को 20 साल हो गए थे और उसे लगता था कि पुलिस ने अब तक मामला बंद कर दिया होगा। इसी धोखे में अपने पैतृक गांव समस्तीपुर बिहार चला गया था।
क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश देव ने बताया कि आरोपी राजकुमार 47 साल का है और उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। इसके 4 भाई और 2 बहनें हैं और यह 12वीं और 10वीं में पढ़ने वाले 2 बेटों का पिता है। यह बिहार के समस्तीपुर में खेती बाड़ी करता था। बाद में वो नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। आरोपी राजकुमार ने वर्ष 1995 में ग्रुप 4 सिक्योरिटी ट्रस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बतौर गार्ड नौकरी करना शुरू किया था। आरोपी ने ग्रुप 4 सिक्योरिटी में 6 वर्ष नौकरी की थी। साथ ही आरोपी मजदूर संघ का उपाध्यक्ष भी था और उस समय एम के सिंह अध्यक्ष था। आरोपी राजकुमार ग्रुप 4 सिक्योरिटी के गार्डों की सैलरी बढ़वाना चाहता था। वहीं मजदूरों की दूसरी यूनियन सीआईटीयू गार्डों की सैलरी बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी। इस मुद्दे को हल करने को लेकर ग्रुप 4 सिक्योरिटी ट्रस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पदाधिकारियों के साथ दोनों यूनियन की 12 मार्च 2001 को ओखला उषा हाउस में बैठक हुई थी। मीटिंग में राजकुमार, अध्यक्ष एम के सिंह व अन्य ने सीआईटीयू के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह व सुरक्षा गार्ड अनिल की पिटाई कर दी थी। राजेंद्र की अस्पताल में मौत हो गई थी। घायल अनिल की शिकायत पर थाना ओखला औद्योगिक क्षेत्र में दिनांक 12 मार्च 2001 को एफआईआर संख्या 143/01/147/148/302 तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी राजकुमार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मौके से भाग गया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उस समय भगवान ठाकुर, अवधेश और मोहम्मद सलीम को तब गिरफ्तार कर लिया था। तीनों को सजा हो चुकी है। बचे 7 आरोपियों को कोर्ट ने 1 मार्च 2002 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इस मामले में घोषित 4 भगोड़े अपराधी शिवाजी पांडे, मधुरेंद्र सिंह, सुनील कुमार और जय प्रकाश यादव को इस मामले में बाद में गिरफ्तार किया गया है और उन पर धारा 147/148/149/174/302/308 का मुकदमा चल रहा है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।